मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल किस तरह से झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का यह चरित्र बन गया है, एक झूठ बोलो झूठ पकड़ा जाए तो वो झूठ छुपाओ दूसरे पे जाओ। आज सुबह से आम आदमी पार्टी एवं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं झूठ भी बोल रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, धोखे और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक ट्वीट आपके समक्ष पेश कर देता हूं। ये ट्वीट आम आदमी पार्टी के वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं, बीजेपीज दिल्ली पुलिस हैज पुट ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल अंडर हाउस अरेस्ट एवर सिंस ही विजिटेड फार्मर्स एट सिंगू बॉर्डर यस्टरडे। नो वन हैज बीन परमिटेड टू लीव और एंटर हिज रेजिडेंस। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को संविधान पढ़ना चाहिए। पुलिस जो है संविधान के तहत चलती है, बीजेपी की पुलिस कहना अपने आप में दिल्ली पुलिस का अपमान है। दूसरी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ना अरविंद केजरीवाल जी का डिटेंशन या हाउस अरेस्ट हुआ है, ना नजरबंदी है। अरविंद केजरीवाल जी तो उस राजनीति के लिए जाने जाते हैं कि अगर छोटी सी कोई घटना भी हो जाती है तो वो वीडियो बना बना के ट्वीट करते हैं। अब तक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने शिकायत कर दी होती, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी अभी के अभी आपके घर के बाहर कैमरा होंगे, तुरंत निकलिए, पूरे दिल्ली को देख लेने दीजिए क्या आप नजरबंदी में रखे जा रहे हैं या नहीं। सच सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक बात और कहूंगा, ठीक है आपको इस बात का दर्द है कि संविधान के तहत दिल्ली पुलिस आपके अधीन नहीं है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन एक दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट है मेरे हाथ में और वो मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहता हूं। वेरिफाइड ट्विटर हैंडल लिखता है, दिस क्लेम ऑफ सीएम दिल्ली बीइंग पुट ऑन हाउस अरेस्ट इज इनकरेक्ट। ही एक्सरसाइजेस हिज राइट टू फ्री मूवमेंट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। अ पिक्चर ऑफ द हाउस एंट्रेंस सेज इट ऑल। और ये तस्वीर है, ये ट्वीट आपको ट्विटर हैंडल पे मिलेगा डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के। तो मैं इतना ही कहूंगा, दिस पॉलिटिक्स ऑफ लाइज डिसीट प्रोपेगेंडा बीइंग डन बाय श्री अरविंद केजरीवाल जी इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, एंड थ्रू द मीडिया एंड ऑल द रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स हियर आई विश टू चैलेंज श्री अरविंद केजरीवाल जी, स्टॉप दिस पॉलिटिक्स ऑफ लाइज एंड स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। There are cameras outside your house right now. And let the entire Delhi see, let the entire country see whether you have been put under house arrest or not. And Mr. Arvind Kejriwal, your propagandas will not work. You have been doing this kind of cheap and petty politics, blaming the Home Ministry time and again without an iota of evidence. And this will not be tolerated. The kind of politics that Mr. Arvind Kejriwal is known for, if there was even an iota of truth in what he is saying, he and his party workers would have been the first one to tweet hundreds of videos, complain to various bodies, file a petition before the court, and even complain to the United Nations. So thus, on a day when our commitment to farmers is 100%,
this disease of cameraitis, the disease of cameraitis that Arvind Kejriwal has, is forcing him to indulge in this cheap, petty politics of deceit so that the camera shutters turn towards him. But the country is watching. The people of Delhi feel let down by your childish and irresponsible behavior. It is very sad, and you should come out in the open to prove every word of what your party and your party leaders have tweeted. Thank you so much. इसी से रिलेटेड रखिएगा जी. देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है, और आप भी जानते हैं कि पांच दौर की चर्चा किसानों से हो रखी है और पुनः वार्ता कल के लिए निर्धारित है. लेकिन आपने सही कहा कि हमने देखा किस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के वर्कर ये प्रयास कर रहे थे कि इस बंद को राजनीतिक रूप दे दिया जाए. भारत में बंद नहीं, भारत बुलंद होगा. यही कार्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में और बिहार में भी आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे थे. खुद के पास जमीन नहीं है, और इसी तरह से वही 50-100 लोगों का गुट रेंट अ कॉज, कोई एक चीज उठाई, मुद्दा उठाया, उसमें घुसे, अपना काम निकला, जनता को त्रस्त किया, धोखा दिया, आगे बढ़ गए. यही इनकी राजनीति है, और मैं समझता हूं आज भी इनकी यही मानसिकता सामने आई है. धन्यवाद. देखिए, मैं आपका आभारी हूं कि ये सारे तथ्य आपके संज्ञान में हैं, और मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आम जनता तक सच पहुंचे. कल एक प्रेस वार्ता श्री रविशंकर प्रसाद जी ने करी थी. 23 नवंबर 2020 का नोटिफिकेशन जो मैं लेके आया हूं, मेरे हाथ में है, हमने दिखाया कि ये दोहरा चरित्र देखिए आम आदमी पार्टी का. एक तरफ कहते हैं कि हम तीन कानूनों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उनमें से एक कानून नोटिफाई कर देते हैं. आपने सही कहा, फिर एक कोई जेल में तबादला करेंगे, बदल देंगे, उसकी थ्योरी लगाई इन्होंने. वो जब विफल हो गई तो आज ये नई थ्योरी आ गई. तो मैं इतना ही कहूंगा कि कितना झूठ बोलेंगे. ये झूठ बोलने की जो फैक्ट्री लगी हुई है आम आदमी पार्टी में, इसको जनता खत्म जरूर करेगी, ये हमारा अटल विश्वास है. दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल किस तरह से झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का यह चरित्र बन गया है. एक झूठ बोलो, झूठ पकड़ा जाए तो वो झूठ छुपाओ, दूसरे पे जाओ. आज सुबह से आम आदमी पार्टी एवं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं,
झूठ भी बोल रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, धोखे और फरेब की राजनीति कर रहे हैं।